Hello everyone, my name is Surabhi Singh and I am going to represent the subject basic of project management. बहुत ही important और बहुत ही प्यारा subject है IES के prelims के exams के point of view से. In case मेरी आवाज़ आपको audible नहीं होती है तो please अपने headphone से का volume थोड़ा तेज कर लीजिएगा, because मेरा mic इतना अच्छा नहीं है, but मेरा content बहुत अच्छा है. Ethics के lecture मैंने upload कर दिए हैं, but वहाँ शायद volume का थोड़ा issue है, तो आप full volume पे भी करके सुन सकते हैं in case अगर आपको volume कम लगती है तो. तो चलिए बात करते हैं बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. स्टार्ट करती हूँ. अनअकैडमी पे आपने मेरा लेक्चर्स देखे होंगे, बट वो आउटडेटेड हैं. अपडेटेड मैंने जो उसमें ये वाले लेक्चर्स अपलोड किए हैं, इसमें मैं टॉपिक के साथ साथ जो पिछले 4 साल के क्वेश्चंस हैं उनको साथ ही साथ सॉल्व कराते चल रही हूँ. पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. उसके अलावा जो टॉपिक के साथ कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी उसमें अपडेट करके आपको यहाँ पर मिलेंगी. तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. कंटेंट क्या क्या है आपका, देखिए. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी. सेकंड आता है इनिशिएशन, थर्ड आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग एंड टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट. बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको प्रैक्टिकली फील करके पढ़ोगे. जैसे आप बस कोई एक एग्जांपल अपने दिमाग में रख लीजिए. सपोज आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको एक ब्रिज को बनाना है, या फिर अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं मान के चलिए, तो आप एक DMRC की जो मेट्रो है उसको बिछा रहे हैं, उसकी लाइन्स को बिछा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनिशिएट करना होता है कि आपको पहले दिमाग में आइडिया लाना है. जैसे अभी भी बहुत शहरों में आप देख रहे हो कि मेट्रो आ रही है, तो आपको पहले वहाँ के से लोगों से बात करना पड़ेगा, वहाँ के जितने भी आपके DM हैं या जितने भी रोड के कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, कि क्या वहाँ उस सिटी में मेट्रो आने की पॉसिबिलिटी है. यानी आप इनिशिएट कर रहे हो वहाँ की प्रॉब्लम को समझते हुए. उसके बाद आप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, मतलब इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी. फिर आप प्लान करोगे. प्लान करने में आप क्या डिसाइड करोगे, क्या कॉस्ट आएगी, कितने साल तक हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा. क्योंकि अगर आप मेट्रो वगैरह के प्रोजेक्ट देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये प्रोजेक्ट तो मतलब एटलीस्ट 5-6 साल तो आराम से चलते हैं, चाहे वो लखनऊ की बात हो, जयपुर की बात हो. तो उसकी में आप प्लानिंग करोगे, उसकी कॉस्ट, उसके मटेरियल कहाँ से आएंगे, क्या क्या आप कितने स्टैक होल्डर से बात करोगे, कितने लोग शेयरिंग कर रहे हैं. उसके बाद जब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी कि ये रोड मैप है, मतलब सपोज़ आपको इस रूट पे आपको ये मेट्रो की लाइंस बिछानी है, पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद आप एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे. एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, आप देखते हो कि मेट्रो जब बन रही होती है तो बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं साइड में, कि आप मतलब वहाँ पर जितनी भी पब्लिक है, पब्लिक का रास्ता आप थोड़ा बदल दोगे. उसके अलावा सारे वहाँ पे सामान गिरने शुरू हो जाएंगे, कंकड़ इट्टी जो भी है, आपके रेलवे ट्रैक आनी शुरू हो जाएगी. उसके बाद जब 5-6 साल के बाद प्रोजेक्ट बन जाता है तो आप उसको क्लोज करते हो. क्लोज करने के बाद भी आपको क्या करना होता है कि वहाँ पे ऑडिट वगैरह होती है, पहली मेट्रो चल कर देख रही होती है कि पहली मेट्रो चल पाएगी या नहीं. उसके बाद से एक थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक है टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट. ये आपका कंटेंट है जो कि मैं आगे आने वाले 12 से 15 वीडियोस में अपलोड करूंगी और क्वालिटी कंटेंट रहेगा, ये मैं आपको अश्योरिटी दे रही हूँ. क्वेश्चंस की अगर मैं बात करती हूँ तो 2017 में सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, मात्र 6 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोजेक्ट से. 2018 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में 12. आपको पता है कि 5 से 15 क्वेश्चंस आपका किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है, जो भी आपके 10 सब्जेक्ट हैं. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे शुरू करते हैं. प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट आपका एक टेम्परेरी भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है. टेम्परेरी का क्या मतलब है? टेम्परेरी का मतलब है कि किसी टाइम पर शुरू हो रहा है, मतलब जैसे अगर आप DMRC की बात कर रहे हैं, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो इसकी एक बिगनिंग भी होती है, इसकी एक फिनिश भी होती है. With definite resources, with defined scope and resources. Scope में क्या आ रहा है आपका? Scope में आ रहा है जैसे कि इसका क्या scope है, क्या public को benefit मिलेगा. Resources आप कितना use कर रहे हो. इसका एक example मैंने बहुत अच्छा से लिया है, population count. Question इसमें इस प्रकार से आ सकता है कि कोई भी project आपको दे देगा, पूछेगा कि ये temporary project है, unique project है, both project है, none of these. तो ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेरी प्रोजेक्ट है तो उसकी कोई बिगनिंग और एंडिंग जरूर होगी विद डिफाइंड स्कोप एंड रिसोर्सेज के साथ. अगर हम यूनिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं
तो यूनिक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि सेट ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं टू अकम्प्लिश अ सिंगुलर गोल। एग्जाम्पल में आपका आता है जैसे रिसर्च वर्क होता है। अभी तक जैसे कोरोना वायरस के लिए अगर आप देख रहे हो तो कोई भी मेडिसिन नहीं डिस्कवर की गई है, तो वो एक तरीके से एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा अगर आप उसकी कोई मेडिसिन डिस्कवर कर लेते हो। काइंड ऑफ कोई भी रिसर्च अगर आप करते हो तो वो आपका यूनिक प्रोजेक्ट में आता है। आप अगर रिसर्च फेलोज को देखो इसरो वगैरह में, तो वो बहुत सारे रिसर्च कर रहे होते हो, तो वो एक यूनिक प्रोजेक्ट है। उसमें आपको पता नहीं है कि ये इसकी एंडिंग टाइम क्या है, आप उसमें डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसमें आप रिसोर्स को भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो होपफुली आपको यूनिक प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। टू यूज ऑप्टिमम रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश अ गोल इन अ मिनिमम टाइम। वर्ड बहुत ध्यान से पकड़िएगा, ऑप्टिमम रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि आप जितने मर्जी आ रहे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इफ यू टेकिंग द वर्ड मैनेजमेंट दैट मीन्स यू हैव टू यूज ऑप्टिमम रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब है जितनी ज़रूरत हो उतना ही रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर आप किसी गोल को कंप्लीट कर रहे हो वी मिनिमम टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम इस पूरे आगे आने वाले 14 से 15 स्लाइड में हम यही पढ़ेंगे कि हम प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करें, क्या बेसिक्स हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने का, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, एक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो US का है, ये नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, मतलब दैट इज़ कॉल्ड PM बुक। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसमें इन्होंने 10 एरिया को डिफाइन किया गया, तो जो PM बुक PMBOK जो ये है इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। इन्होंने 10 एरिया में डिफाइन किया था प्रोजेक्ट को। 10 एरियाज क्या क्या है? इंटीग्रेशन, स्कोप, कॉस्ट, टाइम, रिस्क, क्वालिटी, HR, कम्युनिकेशन, प्रोक्योरमेंट, स्टेक होल्डर। प्रोक्योरमेंट जो भी वर्ड वगैरह नहीं समझ में आ रहे हैं ये मैं आपके लास्ट स्लाइड में जरूर से एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन सकता है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ PM बुक गाइड। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या क्या पार्ट है ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है यहाँ पर, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, इन चीजों को याद से देख लीजिएगा। अभी मैं बात करती हूँ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। जैसे अगर हमारा DMRC का जो हमने प्रोजेक्ट लिया है मेट्रो को इम्प्लीमेंट करने का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम सब प्रोजेक्ट में डिवाइड करेंगे। सब प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, पहले हम इनिशिएट करेंगे कि हाँ हमें उस सिटी में मेट्रो को लाना है। उसके बाद हम पहले तो हम प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या उस सिटी में मेट्रो की आवश्यकता है, क्या उस सिटी में पब्लिक को दिक्कत हो रही है, जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है बस वगैरह क्या वो इतने फ्रूटफुल नहीं है। तो ये हमारा प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम को हमने एनालाइज किया, उसके बाद हमने सोल्यूशन निकाला कि हम वहाँ पे मेट्रो लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी। उसके बाद हम उस यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन का मतलब है कि हम रोड हम डिसाइड करेंगे किस किस एरिए से किस किस जगहों से हम मेट्रो को पास कर सकते हैं। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट इज सेम एज एग्जीक्यूट। उसके बाद हम टर्मिनेट करेंगे। तो वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फिजिबिलिटी है, फिजिबिलिटी में आपका क्या क्या आएगा, इनिशिएट, इनिशिएशन कैसे करेंगे आप प्रोजेक्ट को, या फिर प्रेस फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, तो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आप ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, फिजिबिलिटी, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड कमीशनिंग। बात समझ में आ गई। और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को मतलब है शोज अ प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ फेजेस रिप्रेजेंटेड सिक्वेंशियली अलोंग अ प्रोजेक्ट टाइमलाइनस। ये प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ फिजिबिलिटी, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और कमीशनिंग, ये जो प्रोजेक्ट के 4 लाइफ साइकिल्स हैं, इनकी क्या होता है कि टाइम के साथ इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। मतलब फिजिबिलिटी में आपका कम टाइम लग रहा है, उसके बाद से इसकी यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी, इम्प्लीमेंट में, यानी एग्जीक्यूट करने में सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी। कमीशन में घटती जाएगी, फिजिबिलिटी और डिज़ाइन में बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फिजिबिलिटी की। ये जो चारों आपके फेजेस हैं इन पे मैं अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल के लिए इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी ताकि आपको ये पता चल जाए कि आगे आने वाले 14 से 15 वीडियोज़ में आप क्या पढ़ोगे और कौन कौन से क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो फिजिबिलिटी में क्या क्या होता है आपका, कि सबसे पहले आप
आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करते हो, पहले तो आप जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसके पोटेंशियल सोल्यूशंस को देखते हो। ऐसा नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक लग रहा है तो आप सीधे से मेट्रो ले आओ। आप पहले अल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचोगे कि लाइक हम और नंबर ऑफ बसेस चला दें, या हम ट्रेन का रूट कर दें, या बेस्ट पॉसिबल आप कम से कम 5 to 6 अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को वहाँ पर लाओगे। उसके बाद आप डिस्कस करोगे वहाँ के लोगों से कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ बसेस बढ़ा दी जाए या इसमें आपके ऑप्टिमम रिसोर्सेज भी यूज़ हो, मिनिमम कॉस्ट यूज़ हो। नंबर ऑफ बसेस बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नंबर ऑफ ई रिक्शा बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अल्टरनेटिव सोल्यूशन आप डिसाइड देखते हो, उसके बाद आप कंक्लूड करते हो कि नहीं, जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो मेट्रो बनाना है। तो दिस इज द फेज व्हेन अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड अ पोटेंशियल सोल्यूशंस आर सजेस्टेड आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। वंस द ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड देन द अप्रेजल ऑफ सोल्यूशन इज कंक्लूडेड इन टर्म ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड बेनिफिट। ध्यान रखिएगा कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मेट्रो बनाना है तो आप उस पर सारी चीज़ों को कंक्लूड करोगे, लाइक उसमें मेट्रो बनाने में रिस्क क्या है, मतलब अगर 5 से 6 साल तक मेट्रो बन रही है कि उस टाइम में वहाँ की पब्लिक कैसे सफ़र करेगी, फाइनेंशियल कमिटमेंट, नंबर बसेस चलाना ज़्यादा ईजी हैं, आपका जो भी मेट्रो चलेगी उसमें आपका फाइनेंशियल ऑब्वियसली ज़्यादा मतलब आउटपुट लगेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होगी एंड बेनिफिट। तो फिजिबिलिटी में आप सबसे पहले डिसाइड करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि जो भी आपने जो सोल्यूशन निकाला है उसका आप फाइनेंशियल रिस्क वगैरह सब कैलकुलेट करोगे। सेम यही मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, इवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इवोल्यूशन आप अल्टरनेटिव्स में सोच के रखोगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिजाइन फीस की, वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपको मेट्रो ही बनानी है तो आप क्या करोगे कि उसमें आप डिसाइड करोगे कि कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। वर्ड ब्लूप्रिंट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अराइजेस इन विच स्टेजेस ब्लूप्रिंट वर्ड कम इन विच स्टेजेस यू प्रिपेयर ब्लू प्रिंट। द आंसर इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। एट अ टाइम शेड्यूल कॉस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इज प्लान एंड द स्टेप्स आर टेकन फॉर रेजिंग फंड एंड द रिसोर्सेज एट द एंड ऑफ द डिजाइन फेज ब्लू प्रिंट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। आउटपुट ऑफ अ डिजाइन फेज इज कॉल्ड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम प्लानिंग में ही बनाते हैं। किसी स्टूडेंट ने मेरे अनअकैडमी वीडियो पर यह क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपका प्लानिंग ही फेज में बनता है, जबकि जो फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट है वो आपका फिजिबल फेज में बनता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना रिसोर्सेस लग रहा है, एक तरीके से ये फॉर्मल आपका डेटा है या फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग अप्रूवल प्लानिंग, ठीक है। और जबकि फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट में सिर्फ हम डिसीजन मेकिंग को ही काउंट करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एग्जीक्यूशन की। जब आपने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग फेज भी होता है। डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एट इट्स पीक इन दिस फेज, इस फेज में प्रोजेक्ट मैनेजर की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। इन दिस फेज प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट। प्रोक्योरमेंट का मेन मतलब होता है खरीदारी या वसूली करना, यानी रिसोर्सेज को खरीदना शुरू करोगे, गिट्टी, रैक, ट्रैक एंड ऑल, ठीक है। और इस फेज में आपकी इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा पीक पर होती है, जो कि मैंने आपको ग्राफ से बता दिया था। टर्मिनेशन, प्रोजेक्ट को आप क्लोज कर रहे हो, प्रोजेक्ट को आप क्लोज कर रहे हो तो आप ऐसे ही क्लोज नहीं कर पाओगे, आपको सब डिसाइड करना पड़ेगा कि जितने भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किए थे उसको यूज़ होके आए कि नहीं, आपने बिल बना दिया है कि नहीं बना दिया है, ऑडिट हो गई है कि नहीं, प्री ऑडिट, पोस्ट ऑडिट एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दोगे। यहाँ पे आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो मैं आपकी 14 वीडियो में यूज़ करूँगी, तो जल्दी से समझ लेते हैं। क्लाइंट, ऑल्सो नोन एज अ स्पॉन्सर, व्हाट कॉर्पोरेट रिक्वायर्ड। क्लाइंट, जैसे आपने वर्ड सुना होगा कि क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, क्लाइंट का मतलब होता है कि जो आपके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टैक होल्डर, हैव देयर शेयर्स इन द प्रोजेक्ट, मतलब जिन उस प्रोजेक्ट में कुछ लोगों के शेयर्स होते हैं, जैसे आप देखो NTPC के शेयर्स होते हैं, मतलब ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कुछ कुछ आपके प्रोजेक्ट में शेयर्स लगाते हैं। मैं आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी जब मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी स्टैक होल्डर एंड ऑल की चीज़ें। प्रोजेक्ट चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन दैट द प्रोजेक्ट हैज़ टू अचीव। प्रोजेक्ट चार्टर भी एक डॉक्यूमेंट टाइप सा होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको ये गोल को अकम्प्लिश करना है, इस गोल तक पहुँचना है, तो आप
वो प्रोजेक्ट में ही आपको क्या क्या आउटलाइन अचीव करनी है ये डिसाइड करती हो। प्रोजेक्ट मैनेजर आपका वो होता है जिसको आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में देखते होगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके पास होल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। प्रोजेक्ट टीम का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो लीड कर रहा है जिस टीम को, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंट। स्कोप ऑफ वर्क का मतलब है कि क्या आपने इनपुट लगाया है और आपको क्या आउटपुट मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है सीधे खरीदारी। सॉरी स्टूडेंट अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज लग रही है, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक आइडिया ही दे रही हूँ, बट ये वीडियो इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखना प्रीलिम्स 2021 में इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदारी या वसूली। मटेरियल या कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सप्लायर टू अदर कंपनीज। अब DMRC खुद से गिट्टी ट्रैक तो बनाने नहीं लग जाएगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से कुछ कुछ सामान खरीदेगी। रिस्क, रिस्क मतलब आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें क्या क्या रिस्क आएगी वो आप कैलकुलेट करोगे। रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क आपने कैलकुलेट की हुई है उसको आप मैनेज कैसे करोगे, उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। क्वालिटी, क्वालिटी तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट ही मैं बताऊंगी, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2070 का एक क्वेश्चन आया था, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, इंप्लीमेंट। विच ऑफ द अबव फेजेस आर रिलेवेंट सिक्वेंशली। अब आपको लगेगा कि मैम ने जो चार फेजेस बताए थे उसमें तो इसमें है ही नहीं। जी नहीं, इसमें जरूरी नहीं है कि जो मैं चार तरीके बताई हूँ वैसे ही हो। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया, ये फॉर्मुलेशन भी मैंने आपको बताया है, अप्रेजल भी अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो प्लानिंग में आपको पता चलेगा कि अप्रेजल भी एक प्लानिंग के अंदर का ही एक सब पार्ट रिलेवेंट फेज है। इम्प्लीमेंटेशन तो मतलब एग्जीक्यूशन को हम इम्प्लीमेंट भी कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ IAS 2017। तो आगे की वीडियो देखने के लिए ट्यून रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।